आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी के गणित विषय में अध्याय 18 मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले कालांश में हमने मुद्रा क्या होती है ये पढ़ा था। आज मुद्रा से संबंधित जोड़ बाकी गुणा भाग हम सीखेंगे। अब जिस प्रकार हम साधारण जोड़ करते हैं उस प्रकार ये जोड़े नहीं होती है। जैसे अब ये जैसे अब इनको अपन जोड़ते हैं तो 0067 ऐसे जोड़ देते हैं। ये जोड़े इस प्रकार नहीं होंगी। रुपए पैसे की जोड़, पैसे को अलग जोड़ना, रुपए को अलग जोड़ना, बाकी में भी पैसे और रुपए को अलग अलग करना, भाग में भी ऐसे ही करना। अब करना क्या है ये देखेंगे। अब अपन इसको जोड़ लेते हैं, 0 ये 0, 6 और 7 कितने हो गए, 13, ये 13। अब ये इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गए 28 आपके। इस प्रकार ये जोड़ हो गई रुपए और पैसों की अलग। अब आप देखो एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये सैकड़ा आ गया, यानी यहां से 100 बाहर निकलेगा। तो अपने को यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस करेंगे तब यहाँ पे 30 बचेगा। जैसे ही यहाँ पे 100 माइनस किया तो वो 100 पैसे क्या बन जाएंगे, 1 रुपया, तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 29 रुपए और 30 पैसे, 29 रुपए और 30 पैसे। इसी प्रकार अब बाकी में देखो, बाकी में अपने को देख रहे 30 और 80। अब 30 में से तो 80 जाएंगे नहीं, तो यहां से अपन ने एक उधार लिया। अब एक उधार लिए, ये पैसे है नहीं, ये रुपए हैं। यहां से अपन ने 1 रुपया उधार लिया तो, और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 अभी बताया। तो अपने को 30 के अंदर पहले 100 जोड़ने, ये 30 है, 30 के अंदर 100 जोड़ने हैं, तो ये 130 हो गए, तो ये 130 हो जाएंगे। अब 130 हो जाएंगे और यहां कितने रहेंगे, यहां 48 ही रहेंगे। यहां से 1 रुपया उधार लिया है, वो पैसा बन गया। 130 में से फिर ये घटाएंगे तो 0, 13 में से 8 गए 5, अब यहां में 8 में से 4 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, तो ये 24 रुपए और 50 पैसे। इसी प्रकार अब गुणा देखते हैं। गुणा में क्या करेंगे, गुणा करेंगे पैसे और रुपये को अलग। 9 × 2 = 18, 8 असल 1, 4 × 9 = 36 और 1 = 37। अब इसी तरह यहां पे 9 को गुणा करेंगे, 9 × 9 = 18। अब यहां पे देखो सैकड़े पे कितना आया, 21 / 3, यानी अब 300 माइनस करने पड़ेंगे। जितने सैकड़े पे नंबर आते हैं उतने माइनस कर दो आप। 300 माइनस किए तो ये 78 हो गए। 300 कैसे, 1 रुपए में कितने पैसे हुए, 100, तो ये 378 है, तो 300 आ गए। तो 300 में कितने रुपए बढ़ेंगे, 3, इसलिए अपन ने यहाँ 300 किया। अब 300 ये 78, अब यहां पे 300 है तो ये 3 इधर जुड़ेंगे, ये 3 इधर जुड़ेंगे तो ये कितने हो गए, ये 78 हो गए, और ये 9 × 3 = 2, 192 रुपए और 78 पैसे। तो इस प्रकार हमको रुपए पैसे की जोड़ इस प्रकार करनी। अब ये लास्ट आपके भाग है, अब भाग देखें, ये रुपए 8044 में आपको 8 का भाग देना है। तो हमने 8 का भाग दिया, 8 × 1 = 8, माइनस किया ये 0, 0 उतारा, 8 का भाग 0 में 0 बार गया, फिर 0 उतारा, फिर 4 उतारा, 4 का भाग 0 में दिया, 0 बार गया, फिर अपन ने कितने उतारे, 4 आ गए। अब ये 4 उतार सकते हैं इसके पास, तो ये 44 हो गए। अब आपके ये 44, अब इधर लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान देंगे, 44 हो गए। ये 44 इस 8 का भाग 44 में देना
तो कितनी बार जाएगा, 8 का 8 और 5 40। तो यहां पे अब 40, अब अपने पास क्या बचा, 4। तो ये 4 क्या बचे, रुपए बचे हैं 4। तो यहां पे इसको रुपए, इस 4 रुपए को अपने को किस में बदलना पड़ेगा, पैसे में। तो ये रुपए का काम यहां पे खत्म हो गया, जैसे ये शेष बचता है। अब इस 4 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो ये पैसा बन जाएगा 400। अब 8 का भाग दे दो, 8 और 5 40, फिर ये 0 बचा, 0 का 0 बार भाग दे दो, ये 0, ये भाग आपका पूरा हो गया। तो ये 1,005 रुपए और 50 पैसे। ये इस प्रकार हमें रुपए पैसे की जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। धन्यवाद, अगले कालांश में फिर मिलेंगे।